नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला की आज की इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अंशी की जड़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बॉलीवुड जगत की पांच बड़ी खबरों के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने बीते साल लॉस एंजलिस में 95वें अकेडमी अवार्ड के दौरान प्रेजेंटर बनकर देश का नाम रोशन किया था। अदाकारा ने ऑस्कर के मंच पर RRR के सॉन्ग नाटू नाटू के लिए ऑस्कर अनाउंसमेंट प्रेजेंट की थी। वहीं अब एक बार फिर एक्ट्रेस को अपने देश का नाम रोशन करने का मौका मिला है। इस बार दीपिका पादुकोण बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में बतौर प्रेजेंटर शामिल होंगी। अदाकारा इस अवार्ड शो में डेविड बेकहम से लेकर दुआ लिपा जैसे जाने माने सितारों को ज्वाइन करेंगी। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि कौन सा सेलिब्रिटी किस कैटेगरी के लिए ट्रॉफी देगा। शाहिद कपूर और कृति सैनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को रिलीज हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की। हर किसी की जुबान पर शाहिद और कृति का नाम है। हर शहर के थिएटर फिल्म की स्क्रीनिंग से भरपूर है। फिल्म में कृति सैनन का रोबोट अवतार फैंस को खूब पसंद भी आ रहा है। ऐसे में फैंस से मिल रहे इतने प्यार को देखने के लिए एक्ट्रेस खुद थिएटर जा पहुंची। रविवार रात एक्ट्रेस ने अपने फैंस को सरप्राइज दिया और मुंबई के एक थिएटर में जा पहुंची, जिसका वीडियो एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में देख सकते हैं कि कृति सैनन थिएटर में दर्शकों की भीड़ के बीच खड़ी हुई नजर आ रही है और उनके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल भी है। एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और फिल्म निर्माता जैकी भगनानी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कपल के घरों में शादी के जश्न की शुरुआत भी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लगातार इनकी शादी के नए नए अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। सोमवार सुबह जहां इनके वेडिंग कार्ड की तस्वीर सामने आई, तो वहीं अब रात होते होते इस शादी को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया था। ये कपल इको फ्रेंडली शादी करने जा रहा है। पिछले कुछ वक्त से इको फ्रेंडली शादी करने का चलन काफी बढ़ गया है, जिसमें प्रकृति को ध्यान में रखकर जोड़ा अपना विवाह करता है। ये चलन आम लोगों से लेकर कई सेलेब्स ने भी अपना लिया है और अब रकुल प्रीत सिंह और फिल्म निर्माता जैकी भगनानी भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सोमवार यानी कि 12 फरवरी की दोपहर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अभिनेता कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। इससे पहले खबर आई थी कि अभिनेता की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और उन्हें जल्द ही छुट्टी मिल सकती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मिथुन ने मीडिया से बातचीत में खुलासा किया कि जब वो स्थिर हो गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके उनका हालचाल पूछा था। इसके अलावा अभिनेता ने यह भी बताया कि इस दौरान पीएम मोदी ने उनको डांट भी लगाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना ख्याल ना रखने के लिए डांटा था। शाहिद कपूर और कृति सैनन की साईफाई फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। पिछली फ्लॉप के बाद ये फिल्म दोनों स्टार्स के लिए राहत की सांस लेकर आई। हालांकि वीकेंड पर शानदार बिजनेस करने के बाद मंडे टेस्ट में कमाई थोड़ी लड़खड़ा गई। वैलेंटाइंस वीक पर रिलीज हुई तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से अच्छे बिजनेस की उम्मीद थी। फिल्म ने खुद को साबित भी किया, लेकिन मंडे टेस्ट की मार से फिल्म बच नहीं पाई। सोमवार की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली है। फिल्म ने 12 फरवरी को देश भर में लगभग 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ रिलीज के 4 दिनों में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिए ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बॉलीवुड जगत की खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।